पांच क्रिया तो सब कर सकते हैं जिसमें कोई विशेष बल नहीं लगता है। तो सब सीधे बैठ करके यहां से शुरू करो, बस श्री का। ऐसे लंबा श्वास लेना और छोड़ना। मुस्लिम भाई भी हैं या बहनें भी हैं, जवान भी हैं, विद्यार्थी हैं, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, ऐसे आराम आराम से मध्यम गति से या तीव्र गति से जो यंग है ना वो ऐसे जोर से कर सकते हैं। अभी 2 मिनट में तो नाक गर्म हो जाते हैं, करके देखोगे तो पता लगेगा पूरा अंदर से गर्मी आने लगती है, नथुने पूरे नॉस्ट्रिल्स में जैसे फायर होने लगता है ना ऐसी तेज गर्मी आ जाएगी। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, डीप ब्रीदिंग में 5000 से 10000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। ऐसे जो जवान है मैंने बताई दिया वो तेज कर लेना ऐसे। मैं तो 10 मिनट 5 मिनट कर लेता हूं ऐसे सर्दी में। दिसंबर में भी मेरे माथे पर पसीना आ जाता है, मैं गर्म कपड़े नहीं ओढ़ता, स्वेटर रजाई ये गर्म कपड़े नहीं पहनता। क्यों? भीतर की गर्मी इतनी है वही नहीं झिलती। भीतर की जिसकी गर्मी खत्म हो गई बाहर की गर्मी कुछ नहीं करती। भीतर है गर्मी, भीतर है ताकत, भीतर है नॉलेज, भीतर है पीस, भीतर है शांति, भीतर है ज्ञान मस्तिष्क में, और वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस लव कंपैशन, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड पीस पावर, ये सब अंदर है। लेकिन कैसी है? साइलेंट है। सारी चीजें अंदर हैं, सारा टैलेंट अंदर है, लेकिन कैसा है बोलो, जोर से बोलो, साइलेंट है। उस साइलेंट को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट प्रकार के सब प्रोसीजर्स हैं। अब ये करो, देखो ये दूसरा प्रोसीजर है, पहले भरा छोड़ा, अब क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ दिया, लय के साथ करो। ये एक विधि लगातार करो, लय के साथ करना, रुकना नहीं है। अभी ऐसे करोगे ना तो देखो ये मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, ये शरीर विज्ञान में योग एक अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, योगिक साइंस, ये मेडिकल साइंस से भी ऊपर का है। देखो ऐसे नीचे से देखो, राइट साइड में लीवर, लेफ्ट साइड में स्प्लीन, फिर बीच में इंटेस्टाइन, इधर है पेनक्रियास। देखो ये पूरा शरीर विज्ञान समझा रहा हूं आपको, लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पेनक्रियास, अंदर है किडनी, अंदर डीप में जाकर के ना यहां पीछे लगी हुई है किडनी, पुरुषों का प्रोस्टेट, माताओं बहनों का यूट्रस ओवरी, पुरुषों के टेस्टिकल्स, इससे अच्छे हो जाते हैं। टेस्टिकल्स अच्छे होंगे तो क्या फायदा होगा? उससे आपको किसी भी मर्द को नामर्दी की बीमारी नहीं होगी।
कितनी दवाइयां खाते हैं लोग ताकत के लिए। कपालभाति करो, किसी को कोई नामर्दानगी की बीमारी नहीं होगी। लेडीज को ओवम पूरा बनेगा, पुरुषों को स्पर्म पूरा बनेगा। इससे टेस्टिकल्स अच्छे होते हैं, इससे यूट्रस ओवरी ये अच्छे होते हैं, इससे प्रोस्टेट अच्छे होते हैं, इससे किडनी के अंदर स्टोन नहीं बनेगा, गाल स्टोन नहीं बनेगा। ये इससे किडनी स्टोन गाल स्टोन दोनों नहीं बनेंगे, और छोटे मोटे बन भी गए तो खत निकल जाते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और लेकिन एक और प्राणायाम है, कपालभाति बता रहा था ना, ये सीधे बैठो अनुलोम विलोम, इससे दिमाग बहुत तेज हो जाता है। मैं हमेशा फिटनेस में भी नंबर वन रहा, स्टडी में भी नंबर वन, क्लास में ही नहीं जो स्टडी में पढ़ता था उसमें देश में नंबर वन था। अष्टाध्यायी महाभाष्य हमारी पढ़ाई होती है, उसमें व्याकरण ग्रामर होता है, उसमें आयुर्वेद होता है, दर्शन शास्त्र होता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन होता है। देखो ऐसे तुम स्टडी में रहोगे नंबर वन, ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा, कभी स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, कभी तुम्हारे जीवन में निराशा नहीं आएगी। देखो ये माताओं बहनों की भी एक बड़ी समस्या है, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, वो इससे खत्म हो जाता है। करो सब ऐसे, पहले उंगली ऐसे लगाई, ऐसे, ये बहुत जबरदस्त, इसके करने से ना आपको अभी ही शांति मिलेगी, मन शांत हो जाता है एकदम, और दिमाग में उल्टे विचार ही नहीं आते। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नहीं तो अपने आप ही अंदर से उल्टे उल्टे विचार आने शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है, एक्यूट डिप्रेशन हो जाता है। अनुलोम विलोम करो, शांति से करना है, थोड़ी देर लगातार करोगे ना तब आपको पता लगेगा इसका फायदा क्या है। इससे बीपी की गोलियां बंद हो जाती है पहले ही दिन से, लौकी का जूस पीना और ये प्राणायाम करना। बीपी सुबह में पूछ रहा था कितने लोगों की गोलियां छुड़वा दी हमने, बीपी की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली, नींद की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, गैस, कब्ज, एसिडिटी की गोलियां बंद हो जाती है। आप लगातार करो जरा, तो ऐसे 5 मिनट अनुलोम विलोम करने से ना कोई भी भजन के साथ, प्रार्थना के साथ, जो जैसा जब तप करता है ऐसे करके 5 मिनट कर लेने से ना एकदम माइंड सेट हो जाता है, पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। शरीर में 72,72,00,000 10,201 नाड़ियां, 8 चक्रण, 9 द्वार हैं, 5 कोश हैं, 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, एक एक सेल, उसके जीन्स, क्रोमोजोम्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन्स, ये शरीर ऐसी रचना है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है, इसलिए संस्कृत में बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पूरे यूनिवर्स में है वो इस बॉडी में है। तो सारी शक्तियां, मैंने कहा ना अपने भीतर है सारा ज्ञान, लेकिन वो साइलेंट है, वो एक्टिवेट हो जाता है योग करने से। फिर ये जिनका पेट और गड़बड़ है, डायबिटीज है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त होता है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींच लिया, ठोड़ी को यहां लगा देते, तो ये 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उडियान बंद, जालंधर बंद। ये तरीका है इसका, इसका प्रोसीजर है, मेथड है इसका। एक तरीके से अभ्यास करते हैं तो मनुष्य की जो अंदरूनी ताकतें हैं, अंदरूनी जो उसका ज्ञान है, अंदरूनी जो उसकी संवेदनाएं हैं, सारी शक्तियां, सामर्थ्य जाग जाता है। फिर गले और थायराइड के लिए मैं कहता हूँ ना, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, अर्थराइटिस की गोली, ये सब बंद हो जाती है। वो ऐसे ही होती है, एक गले को टाइट करके ना ऐसे, भर के रोक के रखते हैं थोड़ी देर, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ते हैं, गले को टाइट किया और फिर अंदर भरा,
इससे स्नोरिंग, रात को तो खर्राटे मारते रहते ना, वाओ बहुत शोर मचाते हैं। और जो मोटे हैं भाई बहन वो तो खर्राटे जरूर मारते, और जिनको कफ रहता है उनको भी खर्राटे आते हैं, ये बड़ी बीमारी बन जाती है बाद में, स्नोरिंग के बाद स्लीप एपनिया, सोते सोते फिर सांस रुक जाता है, उनको मशीन लगानी पड़ती है, फिर बड़ा खतरनाक होता है। स्नोरिंग स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम से, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, थायराइड की गोली बंद, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां बंद कपालभाति से, फैटी लीवर खत्म, शुगर खत्म। अब देखो इससे आगे लेके जाते हैं, मैंने अभी अनुलोम विलोम बताया था आपको, देखो इससे लोगों का बीपी स्ट्रेस एकदम नॉर्मल आता है। इसके ऊपर ना पूरे करीब 1000 रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किए। पहली उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान ऐसे बंद और मुख बंद करके उस अल्लाह ऑलमाइटी गॉड खुदा परमात्मा भगवान का ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र में। यहाँ अपने आप एक ज्योति, एक रोशनी, एक प्रकाश दिखता है और उसमें मन ठहर जाता है, लो लग जाती है, ध्यान लग जाता है, अपने आप सेल्फ मेडिटेशन हो जाता है, उसके अंदर से इबादत होने लगती है, अंदर से है ना। ऐसे हाथ रख के कहीं पर आमीन बोलते हैं, कहीं पर ओम बोलते हैं, कहीं ओंकार बोलते हैं, लंबा गहरा श्वास भर के ओम या आमीन जो जिसको बोलना है लंबा गहरा श्वास भर के बोलते हैं ना, तो अपने आप मन कंसंट्रेट हो जाता है। सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, ये पूरी जर्नी है इसकी। अब शांत हो जाएंगे सभी, कंप्लीट साइलेंस, आंखें बंद करते हैं, श्वासों पर मन को टिकाते हैं। मेडिटेशन का ये फर्स्ट स्टेप है, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, श्वासों पर मन को टिकाओ और श्वासों के साथ खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरुष परमात्मा ओंकार ब्रह्मा जो एक ही है, एकम अद्वितीय, एक ही है परमात्मा खुदा अल्लाह, दो नहीं है, अनेक नहीं है, वो सर्वगत है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया।
दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। हर वक्त बन के साथ ही रहता है, साथ सबके नादान पथिक, उसको तो जानने ना पाया। हर श्वास के साथ श्वास अंदर लेते हैं तब मन ही मन ऐसे उस अल्लाह खुदा भगवान परमात्मा का ध्यान कि प्रभु तूने ही ज्ञान दिया है, तूने ही नॉलेज दिया है, तूने ही सब संवेदनाएं शक्तियां सारा सामर्थ्य सारा सुख शांति ये जीवन तूने दिया, ये घर ये परिवार ये माता पिता ये संसार प्रभु तूने ही बनाया है, सारे जगत का कर्ता तू है प्रभु, सबको तू ही चलाता है, ये धरती ये सूरज ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, एक एक सौर मंडल और अनंत सौर मंडल, कैसे आकाश में सारा ब्रह्मांड थमा हुआ है तेरी कृपा से तेरी शक्ति से। इस ब्रह्मांड का एक एक परमाणु और इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े घटक, जिस सौर मंडल में हम रहते इसी में 9 ग्रह और कितने उपग्रह तो नए नए खोदते जा रहे हैं, और इस सारी कायनात को इस सारी सृष्टि को जब देखते हैं तो भगवान की तरफ माथा झुक जाता है अपने आप। तो श्वासों के साथ ऐसे परमात्मा का चिंतन करते हैं, खुदा भगवान अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की महिमा का चिंतन, इसको भगवान की स्तुति कहते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें सद्ज्ञान सद्भाव दो, सत्कर्म करने की शक्ति दो, ये प्रार्थना। और फिर भगवान को अपने भीतर महसूस करते हैं, उपासना ये उसकी इबादत, ये भक्ति आराधना, प्रभु आपकी शरण में। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, ये इतना योगाभ्यास कर लेते हैं तो इसी से मैंने देखा सारी बीमारियां खत्म।